ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लगातार दो मुकाबले हारने के बाद अब पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ है दुनिया का नंबर वन सिक्सर किंग। इस सिक्सर किंग का दीवाना है पूरा पाकिस्तान और मैदान पर उतरते ही कर देता है छक्कों की बरसात। जी हां दोस्तों, आखिरकार कौन है ये दुनिया का नंबर वन सिक्सर किंग और मैदान पर उतरते ही कैसे करता है छक्कों की बरसात, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिन दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जिसको देखकर पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम में दुनिया के नंबर वन सिक्सर किंग को शामिल करने का ऐलान कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं उस सिक्सर किंग के बारे में। दरअसल हम जिस सिक्सर किंग की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के नंबर वन सिक्सर किंग इफ्तिकार अहमद है। इफ्तिकार अहमद को अब तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा और तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। इफ्तिकार अहमद ऑस्ट्रेलिया के फास्ट ग्राउंड पर लंबे लंबे छक्के लगाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आपके मुताबिक इफ्तिकार अहमद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।